हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, उदयपुर कॉमर्स हब से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरह से शेयर्स को बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप उस इन्वेस्टमेंट को जब सोल्ड आउट करते हैं तो आपको जो भी कैपिटल गेन होता है उसकी आप कैलकुलेशंस करते हैं। ये कैलकुलेशंस थोड़ी सी अलग होगी यहाँ पर, क्योंकि शेयर्स के केस में कई बार ऐसा होता है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनीज आपको, जिस कंपनी के आपके पास शेयर्स है वो आपको राइट शेयर्स कई बार बीच में अलॉट करती है, कई बार आपको बोनस शेयर दिए जाते हैं। तो ऐसे केस में आप जब उन शेयर्स को बेचते हैं तो आपको ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स की कैलकुलेशंस थोड़ी सी अलग करनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग अब इस चीज को आज डिस्कस करने वाले इस क्लास के अंदर। सो बने रहिए मेरे इस क्लास के अंदर, और आप लोग कॉमर्स हब उदयपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, टैली एंड अलग-अलग अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके रेगुलर बेसिस पर अच्छे-अच्छे टॉपिक्स और वीडियोस आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोगों ने कल जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लिया था हमने इमोवेबल प्रॉपर्टी का, और उसके ऊपर हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस किया था कि किस तरह से हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए। आज हम लोग यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसमें हम एग्जाम्पल शेयर्स का लेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम शेयर्स के ऊपर कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम लोग देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ शेयर्स का, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बने रहिए एंड तक। देखिए, सबसे पहले माना कि किसी कंपनी में किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके शेयर्स में उसने ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे शेयर मार्केट से। माना कि उसने 2000 शेयर्स उस वक्त खरीदे और मल्टीप्लाई बाई, उस वक्त 100 रुपीज रेट था और ये शेयर उसने खरीदे 2002 एंड 2003 में। सो द टोटल इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज। ओके, एंड द सीआई, ये देखिए, ये आपका आ गया वैल्यू। ओके, यहाँ अपन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स देखेंगे और ये ईयर हो गया। ओके, और ये नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, और ये टाइप ऑफ शेयर्स हो गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि 2002-3 की सीआईआई कितनी है, तो ये है आपकी 105, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 105। दिस इज द वेरी फर्स्ट इवेंट ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदे। कुछ वर्षों बाद ये शेयर्स उसके पास पड़े हुए थे और कुछ वर्षों बाद इसको बोनस शेयर्स दिए कंपनी ने। बोनस शेयर्स जो दिए वो प्रति 4 शेयर पर एक बोनस शेयर दिया। तो देखिए, इसके पास टोटल मिलाकर 2000 शेयर्स थे और 4 पर 1 बोनस शेयर दिया, तो यानी डिवाइड बाई 4 करेंगे अपन यहाँ पर। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये आपका नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आ जाता है 500 शेयर। हर 4 शेयर पर 1 शेयर मिला, इसका मतलब उसके पास 2000 शेयर थे तो उसको 500 शेयर बोनस के रूप में मिले। और ये मान लो इंसिडेंट हुआ 2009-10 में जब कंपनी ने उसको बोनस शेयर्स दिए, तो ऐसे केस में बोनस शेयर की वैल्यू अगर अपन बात करें तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 2009-10 में बोनस शेयर हमेशा, एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स और आप उस पर कोई बोनस मिलता है, तो उस बोनस का मतलब क्या होता है कि कंपनी आपको एक प्रकार से फायदा दे रही है। हो सकता है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं हो, वो आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड नहीं दे पा रही थी, उस वजह से आपको बोनस देने पड़े। तो बोनस शेयर हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो अगर अपन इसकी बात करें फ्री,
में आपको बोनस शेयर दिए गए, और 9-10 के अंदर आपका जो वैल्यू था CII का वो 148 रुपीज था, और उस वक्त अगर उस कंपनी के शेयर्स की बात करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर, सी मार्केट वैल्यू MV उस वक्त कितनी चल रही थी, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी की शेयर्स उस वक्त कितना चल रहा था। मार्केट वैल्यू कंपनी के शेयर्स की मान लो उस वक्त थी 190 रुपीज, तो यूं देखे तो 500 शेयर आपको मिले, तो वो मार्केट वैल्यू अगर 190 चल रही तो मल्टीप्लाई बाई 190 करो तो आपको वो शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बोनस शेयर हमेशा किस में दिए जाते हैं, फ्री में दिए गए, तो इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू उस वक्त क्या थी। ठीक है, तीसरी चीज, कुछ सालों बाद कंपनी ने कोई इंप्लॉयज के लिए, सॉरी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए कोई स्कीम निकाली, और उस वक्त उस स्कीम के अंतर्गत आपने कंपनी के राइट शेयर्स खरीदे, तो आपने तकरीबन 1000 शेयर खरीदे, और उस स्कीम के अंतर्गत वो शेयर आपको 300 रुपीज में मिल रहे थे, ध्यान दीजिएगा, कुछ सालों बाद। तो आपने वो 1000 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया, और ये माना कि आपने किया 2015 एंड 16 के अंदर, और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये ऑलमोस्ट आपका 3 लाख रुपीज होता है 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 300, और 15-16 की CII आपकी 254 थी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस चार्ट के अंदर ये इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए ये सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शेयर्स का मामला है, और इस तरह से आपको ये शेयर्स अलॉट किए गए, ठीक है, और अलग अलग ईयर में आपको अलग अलग तरीके के शेयर्स यहाँ पर मिले हैं और आपने खरीदे हैं। तो आप यहाँ पर इन सभी शेयर्स को आगे जाके आपको जब पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने ये सभी शेयर्स सोल्ड, ऑल शेयर्स, कितने शेयर्स टोटल हो गए अब आपके 2000 पहले 500 बोनस और 1000 आपने राइट शेयर खरीदे, तो टोटल मिलाकर 3500 शेयर्स आपने बेच दिए उस वक्त 800 रुपये में, 800 रुपये मार्केट वैल्यू चल रही थी। तो ये मामला हुआ मान लो 2019-20 में, सो मल्टी 3500 मल्टीप्लाई बाई 800 रुपीज, टोटल 28 लाख में आपने अपने शेयर्स बेच दिए, और 1920 में आपका CII था 289 रुपीज। सो इन दैट केस आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी है। साथ में ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर आपने जब शेयर्स बेचे तो आपको ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ी, ब्रोकरेज वैसे तो खरीदने पे भी पे करनी पड़ती है, तो ब्रोकरेज ऑन सोल्ड, ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये आपको सॉरी माना कि ये आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, एक परसेंट के हिसाब से, तो ऐसे केस में आपका 28,000 रुपए का ब्रोकरेज हो गया 1%, और ये 28,000 क्योंकि 28 लाख के शेयर्स बेचे तो 28,000 रुपए आपका ब्रोकरेज हो गया यहाँ पर। ओके, तो आपको अब कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन, और इवन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस तरह का कैपिटल गेन आपको होगा। देखिए शेयर्स के केस में क्या होता है हमेशा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शेयर्स के केस में क्या होता है, जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो शेयर्स में ऐसा होता है कि जैसे इस तरह से आपको बोनस शेयर, राइट शेयर वगैरह दिए गए हो, तो उस केस में आपकी थोड़ी कैलकुलेशंस में ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा मामला लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, हो सकता है कोई मामला जैसे ये अभी राइट शेयर अभी अभी इसी साल में मिले आपको और आपने फिर सभी शेयर बेचे, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म में भी जा सकता है मामला। और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के केस में हमने पढ़ा है कि अगर लिस्टेड शेयर्स हैं सेबी के अंतर्गत शेयर मार्केट में, तो ऐसे केस के अंदर आपको 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड दिया जाता है, अगर आपने मोर देन 1 ईयर होल्ड करके रखा और उसके बाद सेल किया तो आप कैपिटल गेन जो होता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है, राइट। तो ऐसे केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये मामले सभी आपके पुराने आप देख सकते हैं, आपके ऑर्डिनरी शेयर्स भी आपने काफी वर्षों पहले खरीदे
बोनस शेयर भी आपको काफी वर्षों पहले मिले, राइट शेयर भी आपने 4-5 साल पहले खरीदे, तो ऐसे केस में आपने ये जब जब ये सभी शेयर्स बेचे हैं तो ऑलमोस्ट ये तीनों में आपको मोर देन 1 ईयर का होल्डिंग है। दैट्स वाई यहाँ पर कैपिटल गेन कौन सा आएगा, LTCG की कैलकुलेशन होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। LTCG की कैलकुलेशन में हमें क्या ध्यान रखने का होता है, मैंने आपको बताया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को हमेशा ध्यान में रखना होता है आपको, CII, हमेशा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में आपको CII की बहुत ही यहाँ पर वैल्यू होती है। ओके सो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या यहाँ पर ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पिछला एग्जांपल में हमने कैलकुलेशंस भी किया था, तो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस में आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान में रखना है। मैं इधर साइड में इसका आंसर सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस मामले को। देखो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीन तरह के शेयर्स हैं, राइट? तो तीन तरह के शेयर्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों की कैलकुलेशंस अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों का इन्फ्लेशन, तीनों का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो अलग है, इंप्रूवमेंट तो खैर शेयर्स के केस में क्या होगा। ओके तो आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि तीनों की कैलकुलेशंस आपको अलग करनी है, राइट? तो ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, सेल कंसिडरेशन और ब्रैकेट में लिखते हैं ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है, और उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे और ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रिसीव होगा। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट? एंड देन हम यही चीज कैलकुलेट करेंगे बोनस शेयर के लिए, तो इसकी कैलकुलेशंस भी अलग कर देंगे, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, और यही चीज हम कैलकुलेट करेंगे राइट शेयर के लिए, तीनों को रख देंगे और फिर टोटल यहाँ पर तीनों का ग्रैंड टोटल ले लेंगे, टोटल LTCG या LTCA है ना। नाउ सी सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि जो सेल कंसिडरेशन है ऑर्डिनरी शेयर का, देखिए ऑर्डिनरी शेयर हो गया, यहाँ पर ये बोनस शेयर ले लेते हैं अपन, बोनस, और यहाँ पर अपन राइट ले लेते हैं। ठीक है, एक दो और ये आपका थर्ड। अब देखो आपने जो ऑर्डिनरी शेयर बेचे थे, ऑर्डिनरी शेयर की काउंटिंग कितनी थी, 2000 शेयर्स थे, ठीक है, और बेचे कितने में आपने, 800 रुपीज में बेचे प्रत्येक शेयर, तो 2000 × 800 कर दीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका इक्वल टू 2000 × 800, तो आपकी टोटल जो शेयर्स हैं वो आपने बेचे 16 लाख में। अब 16 लाख में से आपको इसकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो देखिए ये कैसे निकालोगे आप, इक्वल टू, अब देखो इसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट थी वो 100 रुपए थी, है ना, 100 रुपए में खरीदा आपने, मतलब 20, यूं देखे तो आपकी टोटल इसकी जो जो आपने ये ऑर्डिनरी शेयर खरीदे वो 2 लाख में खरीदे, तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आएगी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई करंट ईयर CII, आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, 289, एंड डिवाइड बाई बेस ईयर CII, बेस ईयर जिस साल आपने खरीदा, तो 105। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 2 लाख आपने सन 2002-3 में पे किए, उसकी 2019-20 में क्या वैल्यू बनती है, तो वो आप ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखने का है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय द करंट ईयर CII डिवाइड बाय द बेस ईयर CII, सो द टोटल विल बी
ये तकरीबन 5,50,476 रुपए आज की वैल्यू बन रही, राइट। और इसके बाद अगर अपन बात करें इसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंस की, तो देखिए ट्रांसफर एक्सपेंस भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। ट्रांसफर एक्सपेंस आप कैसे ध्यान में रखेंगे कि आपको नॉर्मली, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इन सब के टोटल में से ट्रांसफर एक्सपेंस डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं कि सबके टोटल में से ट्रांसफर एक्सपेंस डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसफर एक्सपेंस को, जैसे हमें पता है कि टोटल मिलाकर 28,000 रुपए के ट्रांसफर एक्सपेंस है, उसमें से अगर हम रेशियो बना लें नंबर ऑफ शेयर वाइज तो भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे रेशियो में अगर हम बात करें कि टोटल शेयर थे 3,500, 3,500 पे अगर आपको 28,000 रुपए ट्रांसफर एक्सपेंस देने पड़े, तो आप ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू 28,000 ट्रांसफर एक्सपेंस इंटू ऑर्डिनरी शेयर कितने थे 2,000, और ये पूरे 28,000 कितनों पे हुए 3,500 पे, तो ये आप यहाँ पर रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो ऐसे में इन शेयर्स को बेचने पर जो ट्रांसफर एक्सपेंस है वो 16,000 रुपए है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से माइनस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और माइनस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, तो आपको यहाँ पर ये जो फिगर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, यानी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ऑर्डिनरी शेयर पे आपको 10,33,000 के आसपास का कैपिटल गेन हुआ, राइट। अब ये कि ये कैलकुलेशन हम यहाँ पर बोनस शेयर के लिए करते हैं, बोनस शेयर थे 50, है ना, 50 को कितने में बेचा आपने 800, 50 सॉरी 500, 500 कितने में बेचा 800 में, तो इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 800, सो 4,00,000 रुपए के बोनस शेयर आपने सेल किए। उसमें से उसके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो बोनस तो आपको फ्री में मिला था, हालांकि उस वक्त मार्केट वैल्यू उसकी 190 थी, तो मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। आपने कितना पे किया, आपने परचेस कंसिडरेशन कितना दिया, कुछ नहीं दिया, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, मतलब इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी। फ्री में मिले तो पूरी तरह से फायदा ही था आपको, राइट। और ट्रांसफर एक्सपेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28,000 टोटल हो रहे हैं, 28,000 डिवाइड इंटू 500 बोनस शेयर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर 3,500, तो इसके एवज में ट्रांसफर एक्सपेंस आपने 4,000 खर्च किए, सो आपका जो फायदा यहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 4,00,000 माइनस, देखिए एक्विजिशन कॉस्ट तो जीरो ही होगी और ट्रांसफर एक्सपेंस 4,000 माइनस करो तो बोनस शेयर पे आपको 3,96,000 रुपीज का फायदा हुआ। सो दिस इज द कैपिटल गेन ऑन बोनस शेयर, राइट। तीसरा है राइट शेयर, राइट शेयर टोटल आपके पास कितने थे 1,000, तो आप यहाँ पर राइट शेयर 1,000, राइट शेयर को आपने 800 रुपये में बेच दिया, तो ऐसे में आपको 8,00,000 रुपए का राइट शेयर पर फायदा हुआ। 8,00,000 में से उसके इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट, देखियो राइट शेयर को आपने खरीदा था मार्केट से 300 रुपये में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 रुपीज में, ठीक है। तो मतलब आपने 3,00,000 रुपए का खर्चा किया था राइट शेयर पे, ये 3,00,000 रुपए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई उस वक्त करंट ईयर सीआईआई, करंट ईयर सीआईआई 2089 और उस वक्त का बेस ईयर सीआईआई 254, तो यूं देखे तो 4 साल पहले जो राइट शेयर खरीदे थे उस वक्त कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 254 था, और 4 साल बाद आज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 1920 में 289 है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में तब्दील किया, तो ऑलमोस्ट आपका आज की वैल्यू में आपने वो राइट शेयर पर कितना इन्वेस्ट किया, 3,41,000 रुपीज के आसपास। और ट्रांसफर एक्सपेंस भी आप यहाँ पर कंसिडर करें, 28,000 मल्टीप्लाई बाई 1,000 राइट शेयर एंड डिवाइड बाई 3,500 टोटल शेयर, सो 8,000 रुपये इसका हिस्सा बन रहा है। तो ऐसे केस में इसके ऊपर भी आपको कितना फायदा निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर भी आपको फायदा निकल कर आ रहा है 4,50,000 के आसपास का फायदा निकल कर आ रहा है। सो यूं देखिए तो आपने जितने भी शेयर्स बेचे सभी में फायदा निकल कर आया। अब आप इस पूरे 28,00,000 रुपए जो आपको रेवेन्यू हुई है शेयर्स के ऊपर, इस पूरे मामले में आपको इस 28,00,000 में से कैपिटल गेन कितना हुआ, आप यहाँ पर तीनों ही शेयर्स का जोड़िए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सो द टोटल कैपिटल गेन विल बी 18,80,000 ऑलमोस्ट, 18,80,000 के आसपास का आपका कैपिटल गेन है। सो दिस इज द वेरी बिग फिगर कि आपने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट पर आपने, यूं देखे अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 5,00,000 का टोटल शेयर्स खरीदे थे, 2,00,000 के पहले और 3,00,000 के राइट शेयर, 5,00,000 के शेयर्स खरीदे थे लेकिन अलग अलग ईयर में खरीदे थे, बोनस शेयर तो फ्री में आया, ठीक है। और 28,00,000 रुपए में आज बेचे हैं, तो अगर किसी को भी ये बोलोगे कि यार 5,00,000 रुपए में खरीदे तो 28 में बेचे थे, तो डायरेक्ट आपको बताएगा आपको 23,00,000 रुपए का फायदा हुआ, 23 में से 28,000 और आप ब्रोकरेज माइनस कर दीजिए
आपको 22,72,000 रुपीज का यहाँ पर फायदा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फायदा आपको 18,80,000 का ही है, बिकॉज आपके जो 2 लाख है या 3 लाख के जो पहले इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो आज की वैल्यू में ज्यादा वैल्यू बनती है, इस वजह से आपको यहाँ पर फायदा रिड्यूस होकर आएगा। अगर कैपिटल गेन निकालना आता है तो आप ये 18,80,000 रुपए का कैपिटल गेन निकाल पाएंगे, और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप वहां पर अपना ITR गलत भर देंगे, आप 23 लाख रुपए का फायदा दिखा देंगे, 22,72,000 का फायदा दिखा देंगे, जो कि टेक्निकली पूरी तरह से रॉन्ग है, 4 लाख रुपए ज्यादा कैपिटल गेन दिखाएंगे जिसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आएगी। तो ऐसे केस में ये एग्जांपल था आपका शेयर्स का कि किस तरह से आप शेयर्स पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। शेयर्स के केस में ऐसा होता है कि कई बार कंपनीज आपको बोनस देती है, कई बार राइट शेयर्स आप खरीदते कम प्राइस में, तो ऐसे केस में आप शेयर के ऊपर कैपिटल गेन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये आज की क्लास में हमने कैपिटल गेन के ऊपर डिस्कस किया है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। किसी को कुछ पूछना है सर? जैसे कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है ना, तो ITR में जैसे मान लो फर्स्ट ईयर तो अपने दिखा दिया कि कैपिटल लॉस हुआ था, और सेकंड ईयर मान लो वो उसके साथ एडजस्ट करना है, तो वो किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे ITR के अंदर? नहीं, फर्स्ट ईयर में तो आप कैपिटल लॉस दिखाकर उसको भर देंगे, तो वो कैरी फॉरवर्ड ही हुआ एक प्रकार का, ठीक है। सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में जब भी आपको कैपिटल गेन होगा, एक चीज तो ये बता दूं कि LTCL अगर हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो वो सिर्फ LTCG से ही एडजस्ट हो पाएगा फर्दर ईयर्स के अंदर आने वाले सालों में, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो अगर भविष्य में कोई ऐसा आपको गेन होता है, कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म में, तो आप उस लॉस को तब तक कैरी फॉरवर्ड करते आएंगे जब तक कि वो एडजस्ट नहीं होता है। तो हर साल के रिटर्न में ITR में आपको वो कैरी फॉरवर्ड दिखेगा कि वो पांचवा जो हेड है, चौथा हेड है जो कैपिटल गेन वाला, उसमें वो लॉस का फिगर हर साल आपका दिखाई देगा, ठीक है। आप उसे कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिक दिखाई देगा या अपन को मेंशन करना पड़ेगा? नहीं, अब रिटर्न तो अपन भरते हैं, अपने को मेंशन करना पड़ेगा ना, मेंशन करना पड़ेगा। थोड़ा अकाउंटिंग नॉलेज वहां पर हमने हमारा काम आएगा ना, हमें अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग वहां पर प्रॉपर रखनी पड़ेगी कि हमें उसे कैरी फॉरवर्ड करते रहना है हर साल, ठीक है। और डिपार्टमेंट के पास तो सभी डेटा होते हैं, तो वो तो आपके सभी सालों के जो रिटर्न है उसको ध्यान में उनके पास होते हैं वो फिगर्स, तो वो कैलकुलेट करते हैं। आपको पता होता है असेसमेंट होता है ना, हम लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उसका असेसमेंट होता है और वो डिपार्टमेंट करता है, तो वो सब चीजें उनके पास अवेलेबल रहती है, तो आपको उसको शो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा कोई भी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये लॉस का फायदा हमें लेना है, डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। आपने शो किया तो वो एक प्रकार से आप उसे डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि वो वहाँ आपको आप अपना फायदा छोड़ रहे हो, है ना। टैक्स डिपार्टमेंट कभी अपना फायदा नहीं छोड़ता, लेकिन अगर टैक्स डिपार्टमेंट आप अपना फायदा छोड़ रहे हो तो कुछ नहीं बोलने वाला। और किसी नेक्स्ट जैसे मान लो आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स में जब अपना जो होता है तो उसमें फिर अपन को जो भी कैपिटल गेन हुआ वो अपन को उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस करवा के दिखाना पड़ेगा ये पर्टिकुलर ईयर का, और वो आपके पिछले सब रिटर्न भी बोल रहे होंगे उस लॉस को लगा। राइट राइट राइट, ओके सर। इट इज जस्ट लाइक अकाउंट, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनलाइज करते हैं, राइट। जब फाइनलाइजेशन होता है तो ईयर एंड में हमारे कई सारे रेवेन्यू नेचर के अकाउंट क्लोज कर देते हैं हम, और वो ट्रेडिंग और पीनल में जाके सेट ऑफ हो जाते हैं, और वो प्रॉफिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, वो प्रॉफिट को आगे ले जाते हैं फ्यूचर के ईयर में, ठीक है। तो हम जो नॉन रेवेन्यू अकाउंट होता है कैपिटल नेचर के, जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, उन्हें कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि पिछले साल का ये क्लोजिंग था, इस साल का ये ओपनिंग हो गया, तो उसी तरह से आपको इस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करना होता है। और कुछ पूछना है? कल मेरे से क्वेश्चन पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है क्या ये असेट वाइज अलग अलग होती है, तो ये असेट वाइज नहीं है, ये एक महंगाई दर को मापने का एक सूचकांक है ओनली, और सभी तरीके के असेट के ऊपर ये एक जैसी एप्लीकेबल होगी, अलग अलग नहीं होती है। 1981 से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद ये फिगर वापस रिवाइज किए गए हैं 2001-2 से,
तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेस ईयर माना गया वो 2001-2 माना गया, क्योंकि हम एक दूसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि कुछ सालों पहले जब ये कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती थी तो वो 81 की इंडेक्स को उठाया जाता था, लेकिन अब आपको आप आज की तारीख में हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हम 2001-2 की न्यू इंडेक्स को यहाँ पर कंसिडरेशन में लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और अगर आप वापस इस पूरी कैलकुलेशंस को देखना चाहते हैं तो मेरे इस पूरे वीडियो को वापस आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन कैपिटल गेन, शेयर्स के ऊपर किस तरह से आप LTCG कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट को कहाँ एडजस्ट करेंगे, कौन से प्रॉफिट को, कैपिटल गेन को प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। हाँ ऋषि, अनम्यूट कर दिया मैंने, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं यूं बोल रहा था कि जैसे ये प्रॉफिट है, एक तरह से मैं कैपिटल गेन को प्रॉफिट ही मानूं। ना ना ना, कैपिटल गेन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो बिजनेस में आता है, PGBP की इनकम में प्रॉफिट वर्ड यूज किया जाता है। कैपिटल गेन कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा आने वाले समय में, अगर लॉस है तो। बिजनेस में सर ये चीज तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ कैपिटल गेन होता है, मगर मैं उसको कैपिटल गेन शो नहीं करके उसको प्रॉफिट शो करूँ तो उस प्रॉफिट को कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं सर? कहाँ? मैं तो इसको बोल रही हूँ, ये तो आपने शेयर्स का बताया, मैं तो मशीनरी को बता रहा हूँ। मशीनरी अगर मैं सेल करता हूँ उसको, मैं समझ नहीं रहा हूँ आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ सर, कोई भी मशीनरी होगी बिजनेस में, देखो जो बिजनेस एसेट होती है, ठीक है, उस बिजनेस एसेट जो डेप्रिसिएबल एसेट्स होती है, अगर उसके ऊपर फायदा होता तो वो भी कैपिटल गेन में जाएगा, ठीक है। आप उसको प्रॉफिट में अगर ले लेते हैं तो फिर वो कैपिटल गेन का मामला ही नहीं रहा, वो PGBP की इनकम में आ जाता है। लेकिन आपने उसे कैपिटल एसेट कंसिडर किया और कैपिटल गेन में लिया तो फिर वो बिजनेस के प्रॉफिट में नहीं जाके जुड़ने वाला है। तो सर उसको फिक्स एसेट्स में से निकालेंगे तो उसकी बिलिंग भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसकी वैल्यू तो हर साल डेप्रिसिएट होकर रिड्यूसिंग बैलेंस के आधार पर हर साल ओपनिंग वैल्यू नजर आती है ना। देखो जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो उसकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस जो वैल्यू होती है, जो हर साल के ओपनिंग में जो वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन के बाद, वो उसकी एक्विजिशन मानी जाती है। और एक चीज और बता देता हूँ, बिजनेस के अंदर जितनी भी डेप्रिसिएबल एसेट होती है वो कभी लॉन्ग टर्म के मामले में आती नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के मामले में आती है, क्योंकि हर साल उनका डेप्रिसिएशन के बाद उनकी वैल्यू हर साल ओपनिंग वैल्यू मिलती है, उसी को आप उसकी सेल वैल्यू में से माइनस करते हैं। मान लो, देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो मेरे बिजनेस के अंदर कोई ट्रक है जो कि 7 साल पहले खरीदा गया है। अब वो ट्रक की 7 साल पहले मैंने उसको 20 लाख में खरीदा था, लेकिन आज की तारीख में इस साल ओपनिंग में उसकी बुक वैल्यू 8 लाख है, और अगर मैंने उस ट्रक को 9 लाख में बेचा तो मुझे 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है यहाँ पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट 9 में से 8 माइनस करूंगा, मुझे उसकी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं। उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? उसकी WDV उसकी कॉस्ट मानी जाती है, तो शॉर्ट टर्म में जाएगा वो कैपिटल गेन में। ठीक है सर, डेप्रिसिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कैलकुलेट होती है, राइट? तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डेप्रिसिएशन भी लेस हो गई होगा? डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद ही आया ना वैल्यू उसकी, जो उसकी साल की स्टार्टिंग में जो ओपनिंग वैल्यू आई है उसे WDV कहते हैं, वो डेप्रिसिएशन पिछले साल का लेस होने के बाद जो वैल्यू आई है उसी को तो हम WDV कहते हैं। उसके बाद वो ये CII रूल लागू होगा? CII उस पे कैलकुलेट होगा ही नहीं, वो डायरेक्ट वही वैल्यू माइनस हो जाएगी जो सेल प्राइस है उसमें से। ठीक है, शॉर्ट टर्म में CII वैल्यू नहीं होती, नहीं देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म का मामला है, लॉन्ग टर्म का नहीं है। तो सर अगर कोई मशीनरी लॉन्ग टर्म रखें और उसके बाद सेल करें तो देखो जो बिजनेस में जितनी भी एसेट है व्यापारी उसका डेप्रिसिएशन का फायदा लेता है, ऐसे केस में बिजनेस की जितनी भी एसेट जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है वो सब शॉर्ट टर्म के मामले होते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकते। लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही एसेट जाती है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ओके,
ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। थैंक यू सो मच।